दिल्ली में कोरोना काल में हर कोई डरा हुआ है। जनतंत्र टीवी जनता की आवाज है, जनता अपने नेताओं पर निर्भर है। दिल्ली में विधायक इस कोरोना काल में अपनी जनता के साथ खड़े हुए हैं। कितना जनता की सुनते हैं या फिर जनता को कितना वो मदद करते हैं या फिर बीच मझधार में छोड़ दिया है, इसी को देखते हुए जनतंत्र टीवी की टीम द्वारका विधानसभा के विधायक ऑफिस चेक करने पहुंची, जहां पर कोरोना काल में भी जनता की समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आया। द्वारका विधानसभा में विधायक विनय कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ साथ अपनी विधानसभा की जनता की भी चिंता कर रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी जनता की हर समस्या का समाधान वो कर रहे हैं। अपने ऑफिस में खुद बैठकर लोगों की हर गंभीर समस्याओं का हल कर रहे हैं। विधायक कुमार मिश्रा ने जनतंत्र टीवी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि जनतंत्र टीवी जनता की आवाज़ है, जो कोरोना काल में नेताओं को जगाने का काम कर रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है विधायक जी ने। रियलिटी चेक कर रहा है जनतंत्र टीवी कि वाकई में द्वारका विधानसभा के जो विधायक हैं वो कितने अपने ऑफिस में हैं या उनके ऑफिस बंद है, वो रियलिटी चेक कर रहा है। तो हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के विधायक के दफ्तर में। यहां पर रियलिटी में चेक होता है कि यहां लोगों के लिए विधायक विनय कुमार मिश्रा का ऑफिस खुला है और यहाँ से जनता का समाधान किया जा रहा है कोरोना काल में भी। आपका दफ्तर खुला मिलता है, आपके कार्यकर्ता आपके कर्मचारी काम करते नजर आए, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं सर इस? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनतंत्र टीवी को बहुत धन्यवाद करूंगा, इस समय फैक्ट चेक कर रहे हैं और मीडिया काम भी होता है सही जगह सही सूचना पहुंचाना। जो हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है उससे हम लोगों की मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस विपत्ति में किस तरीके से उसकी मदद करके उसके बोझ को हल्का कर सकें। जी विधायक जी, जब आपका नॉर्मल ऑफिस खुलता था कम से कम 200-300 लोग आते थे, अब संपर्क वैसे देखा जाए तो टूट गया क्योंकि सबको डर है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा पा रहे हैं और कैसे मदद कर रहे हैं डिजिटल के माध्यम? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का माध्यम का ज़माना है। हमने पीछे भी फेसबुक पे लाइव आके लोगों से कही थी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है दिल्ली में और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हमने लोगों से यही अपील की है कि आपका जो भी काम हो आप मुझे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी उसको मैं उस समस्या का निपटारा कर सकूं, पर अभी जिस तरीके की क्राइसिस है, लेबर शॉर्ट है और अभी हमारा सारा ध्यान लोगों की जान बचाने पे है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सके उस पर अभी हमारा विशेष जोर है। तमाम विधानसभा में जनता टीवी गई है और वहाँ रियलिटी चेक की, तो यहाँ पर विधायक विनय कुमार पास हो जाते हैं रियलिटी चेक में। शरद भारद्वाज, जनता टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।